ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हर बारिश में वही हाल हो गया हर बारिश में। तो भाई इसके खड्डे की बात करना चाहता हूँ, ये साल हो गया इसको, ठीक है। हाँ तो ये तो भाई अभी हटाए नहीं अभी तक। अभी यहाँ बताओ कारोबार किस हुआ पहला तो? बेकार जमा, बारिश के कारण जमा बेकार। तो इसको क्या करना चाहिए, उसे पानी इकट्ठा ना हो, निकालने की व्यवस्था हो यहाँ से पानी का, है मतलब म्युनिसिपल को ये देखना चाहिए कि भी पानी निकलने की व्यवस्था सही तरीके से। दिल्ली का हाल बुरा है अपना, तो शहर फिर भी छोटा ही है। शहर तो फिर भी छोटा है, सही बात है। देखो बारिश तो कोई काफी नहीं हुई है, पर पानी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बारिश हो गई है। मेरा जूता भी खराब हो चुका है सारा, मैं मतलब हल्की सी बारिश के अंदर और हाल है, हाल हूँ बेहाल हो गयो। जी पहले मन ये बताओ, इतनी सी बारिश के अंदर वो हाल हो गयो, अगर बारिश तेज आवे तो क्या होगा? पानी यहाँ तक बढ़ जाएगा, अंदर तक बढ़ जाएगा बारिश के पानी के अंदर। अब जब तक वो पानी सूखा होगा नहीं, जब तक पानी हटे यहाँ ही रहोगे। वो एक पेड़ रखियो तो आप पेड़ ही आएंगे सीढ़ी, और दूसरा पेड़ रखूंगा तो झलको। हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम जी की। मानसून की दस्तक हो चुकी है, और बता दियो अभी आप हाल फिलहाल मौजूद है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, जो रेलवे ओवरब्रिज है, जो रास्तों इल्ला की साइड हुआ, रास्तों श्री गंगानगर साइड की जावे, इन रास्तों है टाउन संगरिया के कानी जावे। और बता दूं हल्की सी बारिश हुई टाउन के अंदर, तो महज नाम मात्र की बारिश हुई है। जंक्शन के अंदर बारिश हुई तो थोड़ी सी बारिश के अंदर है, जो सड़कों के ऊपर किया लबालब पानी भर गया। अब मैं कैमरा मैन कहूँ इला पास दिखाना चाहो लग रहा है जी की थाने। ड्रेनेज सिस्टम की आप बात करें तो नगर परिषद को ड्रेनेज सिस्टम है, हल्की सी बारिश के अंदर चौपट हो गया। कुछ देर बारिश है, अगर ज़्यादा बारिश आती तो सारों को सारो तालाब बन जाते, एक तरीके नदी बन जाती। अटे कुछ सब्जी की दुकान है तो सब्जी की दुकानदार है जिता बने भी यही दिक्कत को है जो सामना करना पड़ेगा बारिश के पानी के अंदर। अब जब तक वो पानी सूखा होगा नहीं, जब तक पानी हटे यहाँ ही रहोगे। तो बस अड्डे की साइड बटे भी हर साल वही होगा कि पानी तो ज्यादा बढ़ जाए, लोगों के साथ हटे है जो इला पासा दुकानदार है रेड़ी वाला और जितना भी आगे सारे के साथ बातचीत करांगा और जानेंगे कि बारिश के अंदर जितो पानी भरे और एक अंदर वहाँ की दुकानदारी है रोजमर्रा की जिंदगी कितनी प्रभावित हो। तो अब आप सड़क को नीचे उतरांगा और भी पानी के अंदर जाऊंगा, और जहाँ की देख पा रहे हो मेरा जूता है जो सफेद जूता, अब मेरा जूता भी खराब हो चुका है सारा, मैं मतलब हल्की सी बारिश के अंदर और हाल है, हाल हूँ बेहाल हो गया। ओके नाम आगा, ओके नाम है मोहित। जी पहले मन ये बताओ, इतनी सी बारिश के अंदर वो हाल हो गया, अगर बारिश तेज आवे तो क्या होगा? पानी यहाँ तक बच जाएगा, अच्छा, अंदर तक बढ़ जाएगा। मोहित जी अब यहाँ बताओ, अब जब तक वो पानी कौन सूखा, दुकानदारी चाल सी चाल सी ऐसी देसी, अब दुआ मंगल के घर जाएंगे, मंगल के घर जाओ। तो हल्की सी बारिश हुई है वो हाल हो गया, आप जैसे आए जैसे बहुत हो जाएंगे आपको, ग्रह तो कोनिया होगा भाई। सही बात बोलिए कि जी हाँ मैं आया हूँ भी, यहाँ ग्रह कोनिया होगा। वापिस दिखाऊंगा नीचे अठाऊ नीचे जी हाँ, वो एक पेड़ रखियो तो आप पेड़ी आएंगे सीढ़ी, और दूसरा पेड़ रखूंगा तो कितो ज्यादा वो देख पाओ रहे थे आगे तक, यानी कि पेड़ डूबे लाग रहे। तो बारिश आवे तो थारा आई टेंशन रहती रह गया, हर लागे के काम किया चलो, नुकसान निशान हो गया है, सब सब्जी खराब हो जाएगी उमस के कारण। पानी सूखा हुआ कब तक? सुबह तक सूखा हुआ या रात में सूखा होगा भाई जी? सुबह तक। सुबह तक ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हर बारिश में वही हाल हो गया? हर बारिश में, हर बारिश में। चलो जी तो एक दुकानदार और है भाई साहब, आऊँ बात करांगा। अच्छा थारू क्या नाम है जी? क्रिश है भाई। क्रिश जी दुकान थारी कौन सी है? अच्छा आ दुकान फ्रूट आ रही। अब यहाँ बताओ कारोबार किस हुआ पहला तो? बेकार जमा, बारिश के कारण जमा बेकार है। जमा बेकार हो गया, कब तक रहोगी यह चीज़? अब जब तक बारिश चल रही है तो 15 मिनट बारिश चले जाए, आधा घंटा ज्यादा डूब जाओ सारा, अंदर सारा सारा पानी अंदर जाओ, सारो पानी अंदर जाओ बिल्कुल। तो हर साल बारिश में? हर साल आई दिक्कत, आई दिक्कत। तो कदे थे अवगत करवाए हो के जो जिम्मेदार है, जो जनप्रतिनिधि है, बताया होगा? सुनाई कौन करा, सुनाई कौन करा, ये कब है? कब करा देंगे बस, फिर लारा लगाता रहे बस, फिर लारा लगावा बस। तो ग्रैक आओगा कि दौरान थारे फल फ्रूट ले रहा कोई नहीं आवे, कोई नहीं आवे, मैं खुद इतनी जदो जाए के बाद में आऊंगा तो ग्रैक आओगा ही क्या। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा थारो के नाम है भाई जी? सुशील। क्या नाम है? सुशील। सुशील जी कितने टाइम हुआ थारी दुकान है पहले तो बताओ? अभी तो हमने अभी करी है इसको 6-7 महीने। 6-7 महीना, 6-7 महीना में कितनी बारिश है? ये तीसरी चौथी बारिश है। तीसरी चौथी बारिश है। पहली बारिश में था नहीं, महसूस को नहीं हो दुकान अड़क करके गलत कर लिया? महसूस तो क्या था, बरसात होनी चाहिए इसे तो बढ़िया है, बाकी बरसात होनी चाहिए, दुकान थोड़ी डूब जानी चाहिए बरसात में। क्या इलाज है फिर? कुछ इलाका है कह रहे हैं वो चौके वगैरह लगे। 15 मिनट की बारिश में वो हाल हो गया? हाँ 15 मिनट की बारिश में। अगर मतलब 2-2.5 घंटा बरस जाए तो फिर तो सारे को ही भर जाता है पानी। अब यहाँ तो कुछ नहीं बरसात हो रही है, जय दिल्ली का हाल बुरा है अपना, तो शहर फिर भी छोटा ही है। शहर तो फिर भी छोटा है, सही बात है, सही बात है। बारिश से होया बाद के अंदर कितना करीब काम करियो थे? बारिश तो देखो ग्राहक तो चलता ही रहता है अपने, बाहर दे देते ग्राहक को जाके, बाकी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी के बीच में आ जाए ग्राहक? आ जाते हैं, गाड़ी लेके खड़ गया रोज रोज आवा बीता को नहीं आवा, वो तो फर्क तो पड़ता ही है देखो बरसात में। तो कुछ लोग है जो बाइक के ऊपर आया पाऊँ जाना। क्या नाम भाई जी थारो? मेरा नाम एडवोकेट साहिल।
वकील साहब हो हैं? हाँ जी हाँ जी। करो के नाम है जी? अश्विनी कुमार। ये वकील साहब हो गए? नहीं नहीं मैं वकील साहब, पहले तो यहाँ बताओ अटक ही रहना रहो जंक्शन का? हाँ जंक्शन के साहब, हल्की सी बारिश के अंदर पानी देखो क्या पानी की देखो बारिश तो कोई काफी नहीं हुई है पर पानी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बारिश हो गई है। मेरे को ये लग रहा है नाली की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम चौपट है, मतलब ये सिस्टम सही नहीं है। अगर मान लो पानी निकलने की व्यवस्था सही हो तो मतलब इस तरह का ये झंझट वगैरह हल्की सी बारिश के अंदर उबाल हो गया। हाँ अगर ज्यादा तेज हो गया तो मन लग गया फिर। हम बाइक पे जा रहे हैं तो हमें काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब जैसे पानी इकट्ठा हो रखा है तो दिक्कत का पास दुकानदार है, बाकी दुकानदारी प्रभावित होगी। हाँ जैसे हमें सामान लेना है तो हमें भीगना पड़ेगा, जूते भीगने पड़ेगा, कपड़ा भीगेगा, जूता भीगेगा, मतलब भीग भी गया था तो इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। हर साल बारिश में ये करना पड़ा? हाँ ये मतलब नेचुरल सी बात है। एक मिनट, तेज बारिश आवे तो गोडा गोडा तक पानी आ जाए? नहीं उसकी तो आप भूल ही जाओ, तेज आने की तो भूल ही जाओ, पर ये मैं उसके बाद तो फिर ये है ना भी रैंप के ऊपर से पानी जाने लगता है। रैंप के ऊपर सूखे कितना दिन में? सूखने का यही है, अभी 4-5-10 दिन लग ही जाते हैं सूखने का। हाँ नॉर्मल तो इसको क्या करना चाहिए, उसे पानी इकट्ठा ना हो, निकालने की व्यवस्था हो यहाँ से पानी का है, मतलब म्युनिसिपल को ये देखना चाहिए कि भी पानी निकलने की व्यवस्था सही तरीके से। लेकिन नगर परिषद तो अभियान चला रखे, नगर परिषद आपके द्वार वो बस फॉर्मेलिटी चल रही है, बस फॉर्मेलिटी कागज कार्रवाई है और इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ है। तारो के नाम है जी? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी क्या कहना चाहोगे बारिश? सर मैं इसके खड्डे की बात करना चाहता हूँ, ये साल हो गए इसको। ठीक है। हाँ तो ये तो भी अभी हटाई नहीं अभी तक। अच्छा। और दूसरी बात ये यहाँ पे पानी हमेशा ही आता है, 3-4 साल हो गए, मैं 2020 से देख रहा हूँ ये यहाँ पे गड्ढा है। अच्छा। और ये तो अभी जा ही नहीं रहे यहाँ पे। हाँ नहीं जा रहा अभी, ना भेजते इसको ना जाता ये। तो मतलब ट्रैफिक भी जाम हो जाए बराबर में? ओवर ट्रैफिक जाम होगी जब पानी जमा है यहाँ पे, तो ट्रैफिक जाम होगी। यहाँ पे खड्डे में वाहन रखते हैं, साधन रखते हैं तो ट्रैफिक जाम होगा आराम से। नॉर्मल बात बताना चाहूँगा, देखिए मान लीजिए हमें पता है अभी बारिश अब होने वाली है और इस समय से पानी की भी मतलब दिक्कत आएगी, जब हमें पता होने के बावजूद भी हम कोई एक्शन ना लें तो फिर तो मतलब एक दुविधा है ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मेरा यही है प्रशासन से और म्युनिसिपल से यही कहना है कि भाई इन समस्याओं का समाधान किया जाए। जी हाँ कि देख पा रहे हो हल्की सी बारिश के अंदर, महज थोड़ी सी बारिश के अंदर जंक्शन हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर इतना ज़्यादा पानी भरी हो, इस इलाके के अंदर भी पानी भरी हो और बस स्टैंड साइड के अंदर है बट भी इतना ज़्यादा पानी भर गया। और नगर परिषद को ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो पूरी तरीके से चौपट होता नजर आ रही है। अगर 2 घंटा लगातार बारिश हो जाएगी तो शहर को शहर है, पूरों को पूरा शहर है जलमग्न हो जाएगा, निचले इलाका के अंदर पानी भर जाएगा, जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और पानी निकालने के अंदर है जो बहुत है जो भयंकर एक तरीके का विपदा को सामना है वो करना पड़ेगा। तो वीडियो था ना किसी लगी, वीडियो के प्रति तरीके राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो और वीडियो ज्यादा शेयर कर दो। तर गाँव में आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इस नंबर पर हमारा फोन करो, संपर्क करो, मैं तारा गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। आज के वीडियो के प्रति थारी के राय विचार तारा कमेंट में जरूर मेंशन करें। अंत मन दे इजाजत, जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।